हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट के गीवर। आज मैं अपने गार्डन का एक ब्लॉग वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूं। तो देख सकते हैं सत्व प्रधान से जो मुझे ग्रो बैग और सीड्स मिले थे, सभी सीड जो हैं वो जर्मिनेट होने लगे हैं। तो सीड का रिज़ल्ट तो बहुत ही बढ़िया है और ग्रो बैग भी बहुत ही अच्छे हैं। देख सकते हैं इसमें जो लाल चौराई था वो मैंने ग्रो किया था। पहले में क्या था वो अभी मैंने उसके बारे में सर्च नहीं किया है, लेकिन साउथ में जो लोग रहते हैं मैंने उनके गार्डन में वो पत्ते वाली जो है वो सब्जी देखी हुई है। इसमें भी कुछ चौराई के सीड मैंने डाले थे तो वो भी ग्रो हो गए हैं। और ये जो चौराई के सीड थे ये organibazaar.net से मुझे मिले थे, और इसमें जो है वो ककड़ी के सीड मैंने लगाए थे तो वो भी जर्मिनेट होने लगे हैं। तो समय समय पर इनका अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और इसमें जो हैं वो भी ककड़ी के ही सीड हैं जो कि मुझे सत्व प्रधान से मिले थे। और इसमें मैंने वाटर मिलन के, जो घर में वाटर मिलन आता है, उसके सीड मैंने निकाल कर इस कंटेनर में 4-5 दबाए थे तो वो भी जर्मिनेट हो गए। लास्ट ईयर भी मैंने लगाया था लेकिन उतने बड़े लेमन हुए नहीं थे, तो इस बार मैं अच्छी खाद पानी खूब सारी सेवा करूंगा ताकि और भी बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिले। क्योंकि जब हम दोबारा कोई चीज़ करते हैं तो हमें उस पहले से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है वो हमेशा मिलता जाता है। और ये कैक्टस का मेरा प्लांट है, इसमें मैंने बस पत्ता यूँ ही दबा दिया था, टूट गया था गलती से। तो देख सकते दो इसमें भी बेबी प्लांट आ चुके हैं। और ये पर्सलेन सीड से ग्रो हुआ था, पर्सलेन भी सीड, इसके सीड जिस भी कंटेनर में गिरते हैं ये प्लांट ग्रो हो ही जाता है। और देख सकते हैं ये कनेर, इतनी गर्मी पड़ रही फिर भी ये प्लांट इतना हरा भरा और फूलों से, मतलब 4-5 फूल तो डेली इस पर खिलते ही हैं। और जैसे जैसे और गर्मियां बढ़ेंगी, खासकर रेनी सीज़न में, तो ये प्लांट और भी ब्लूमिंग करता है। और ये बोगनवेलिया देख सकते हैं, बोगनवेलिया में जब भी ब्लूमिंग ख़त्म हो जाए उसे अच्छे से प्रून कर देना चाहिए ताकि पौधे में नई ग्रोथ हो, और नई ग्रोथ में ही ढेर सारी ब्लूमिंग होती है। तो ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, 2-3 साल इसको हो चुके हैं। और ये कनेर देख सकते हैं, देसी वैरायटी वाला, पूरे साल इस पर ब्लूमिंग रुक रुक कर होती रहती है। और ये चंपा पे भी कली आ रही हैं। और ये कॉर्नर देख सकते हैं अभी कुछ ऐसा लग रहा है, इसमें जो है वो मैं समय समय पर प्लांट जो है वो चेंज करता रहता हूँ। और देसी विन का, इसके भी सीड जिस भी कंटेनर में गिरते हैं देख सकते हैं इस तरह के प्लांट निकल आते हैं। विनका के अभी तक एक बार ही मैंने अपने गार्डन में ऐड किया था, फिर तो ये बस बढ़ते ही जा रहे हैं मेरे गार्डन में। और देख सकते हैं दो ये स्पाइडर प्लांट की कटिंग ग्रो किया था, एक गल गई है। तो हमेशा हम लोगों को भी 100% रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलता है। और ये प्लांट अब बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है। दूसरी बार मैंने इसे परचेज़ किया था, पहली बार वाला तो गल कर ख़राब हो गया था। और देख सकते हैं कुछ लोगों ने कहा था कि इसका रंग जो होगा फेड हो जाएगा, तो देख सकते हैं एक साल होने वाले हैं लेकिन इसका रंग फ़िलहाल अभी तक फेड नहीं हुआ है, लेकिन इन हैंगिंग बास्केट का हो चुका है। तो जब आपको लगे कि किसी कंटेनर का रंग फेड हो सकता है तो उसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर मॉर्निंग की ही धूप आती हो। और कटिंग देख सकते हैं, ये मैंने टेंगल हार्ट की कटिंग ग्रो किया था तो ये तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया है। टेंगल हार्ट के लिए मैं बहुत ही पोरस मिट्टी तैयार करता हूँ, गार्डन सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट तीनों को मिक्स करके अच्छी विल्डर सॉइल बनाता हूँ। उसी में मैं जो है वो कटिंग ग्रो करता हूँ और इस तरह के जो हैंगिंग बास्केट प्लांट होते हैं उन्हें ग्रो करता हूँ। तो रियो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया था, और इसमें भी स्पाइडर प्लांट के एक रनर मैंने कट करके लगाया था। और ये गोमफ्रेना के सीड भी डाले थे तो देख सकते हैं इस तरह के मिली बग का अटैक हो चुका है। तो हमेशा छोटे प्लांट पर मैं स्प्रे नहीं कर देता हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र या नीम ऑयल वगैरह, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे किसी लकड़ी या फिर तो की सहायता से मैं सभी मिली बग को ऐसे ही हटा देता हूँ। हर बार अगर आप इस टाइम केमिकल का स्प्रे इस पर कर देंगे तो ये जो होगा वो बर्न हो जाएगा, यानी ये झुलस जाएगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप हाथ से ही इस तरह से निकाल कर मिली बग्स को सभी को इस तरह से मारते हैं, या फिर थोड़ा सा और बड़ा होता तो स्प्रे, केवल पानी से स्प्रे करके भी आप इन्हें हटा सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट हो,
थोड़ा अच्छी हाइट का प्लांट हो तब ही उस पर केमिकल वगैरह का स्प्रे करना चाहिए। और इतनी धूप, जब इतनी गर्मी हो रही हो, तो केमिकल स्प्रे का भी शाम और सुबह, शाम को ही आपको स्प्रे करना चाहिए। और देख सकते हैं ये टर्टल वाइन, दरअसल कभी कभार पानी डालना भूल जाता हूँ तो इस तरह से पीले जो हैं प्लांट हो गए हैं। और ये अरेबियन वैक्साई भी, अभी ज़्यादा दिन इसको नहीं हुए लगाए, लगभग 20 दिन ही हुए होंगे, और देख सकते हैं इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाता है। और ये मैक्सिकन पिटूनिया मैंने रूट से कट करके काफ़ी सारे मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग लगाया था, तो देख सकते हैं इसमें रूट थोड़ी थोड़ी सी थी, तो अच्छे से ये ग्रो हो गया है। इसके अलावा देख सकते हैं इसमें पानी में डालना भूल गया था, तो इसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई। हालांकि ये पूरी तरह से मरा नहीं है, देख सकते हैं नई नई पत्तियाँ इस पर आ रही हैं, तो पानी का मैं अब ध्यान रखूँगा तो कुछ दिनों में ये फिर से अच्छा हो जाएगा। और ये अरेबियन बैकसाइड भी, तो देख सकते हैं जब पॉलीथीन में आप प्लांट लगाएं तो बड़े कंटेनर के नीचे रख दें ताकि आप पानी डालना ना भूलें। और ये हडजोड़ ये भी ग्रो हो गया है, ये टेंगल हार्ट ये भी अच्छे से ग्रो हो गया है, और कंटेनर को कवर करना भी इसने स्टार्ट कर दिया है। और ये है टर्टल वाइन, देख सकते हैं ये भी कटिंग से ग्रो हो गया है। ये कैलिशिया फ्रेग्रेंस, ये भी इसमें भी अब अच्छी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने प्लांट दिखा रहा हूँ सभी बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और देख सकते हैं ये वांडरिंग जू इस तरह से टूट भी जाता है कई बार जब हम कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं, तो बस फिक्र मत करिए, बस कटिंग को उसमें इस तरह से रख दीजिए, थोड़ा सा कोकोपीट से कवर कर दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाएगा। और ये स्नेक प्लांट मैंने अभी वो बॉटल को हैंग किया वहीं पर ये लगा हुआ था, तो मैंने देखा कि इसमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट जो आ रहे हैं, लेकिन प्लांट जो है वो थोड़ा सा पीला है, तो मैंने इसे फटाफट सोचा कि मैं इसे रिपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली जो सेंसेवेरिया की वैरायटी है ये मेरे पास है भी काफ़ी कम, दो कंटेनर में ही एक एक प्लांट लगाए थे, तो उसमें भी एक दो बेबी प्लांट आ गए हैं और इसमें भी। तो अभी तो मैं इसे सेपरेट नहीं करूँगा, ऐसे ही कंटेनर में ग्रो कर लूँगा, जब सभी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल कर ढेर सारे कंटेनर में लगा लूँगा, ताकि काफ़ी सारे इसके बना पाऊँ और हमेशा ये मेरे गार्डन में बना रहे। वैसे सेंसेवेरिया बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, लेकिन कभी कभार ओवर वाटिंग या ज़्यादा धूप, कम धूप की वजह से ये गल भी जाते हैं। इस स्नेक प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मैंने ये गार्डन सॉइल कंपोस्ट, इसके अलावा ये वर्मी कल्चर, कोकोपीट, सभी को मिक्स करके मैं एक वेल्ड्रेन सॉइल बना रहा हूँ। और इस तरह के जो रूट वाले प्लांट होते हैं, रूट से बेबी प्लांट आते हैं या फिर बल्ब वाले प्लांट होते हैं, इनके लिए और भी अच्छी पोरस मिट्टी तैयार करनी चाहिए, ताकि बल्ब तेज़ी से डिवाइड हो और पब्स बहुत सारे आएँ बहुत कम समय में। तो देख सकते हैं उसी कंटेनर में मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सेंसेवेरिया की कोई बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी ये कम हाइट का प्लांट है, तो इस कंटेनर में भी ये 2-3 साल आराम से रह जाएगा। लेकिन मुझे बस 2-3 मंथ के लिए ही इसमें रखना है, तब तक ये प्लांट जो हैं बेबी प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, तब मैं इन्हें सेपरेट करके काफ़ी सारे बना लूँगा। और रिपोर्टिंग जब भी करें, अभी धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पानी डालना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका प्लांट झुलस जाएगा इतनी सारी धूप में। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।